हेलो एवरीवन, तो आज हम जाने वाले हैं मुंबई के एक बहुत ही फेमस जगह पे, पागोडा टेम्पल। मैं पहले कभी नहीं गई हूँ, मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ। ये मुंबई के मलाड और बोरीवली स्टेशन से बहुत ही क्लोज है। मलाड से या फिर बोरीवली से आप वेस्ट में होके जा सकते हैं। तो पूरे ब्लॉग में बने रहिए। स्टेशन से वेस्ट से आपको यहाँ पहुँचना है ऑटो से, और फिर यहाँ से जस्ट 5 to 7 मिनट मुझे लगा कि है वो बोट से आपको क्रॉस करना पड़ता है, 5 to 7 मिनट का रास्ता। फिर वहाँ से भी आपको वो पागोडा टेम्पल के लिए जो है वो ऑटो ही पकड़नी पड़ती है, और वो मैं वीडियो के आगे जैसे जैसे होगा वो आप सबको पता चल ही जाएगा, बट यहाँ तक मुझे पता है कि यहाँ से फिर बोट से क्रॉस करके फिर ऑटो ही लेनी है। अंकल जी के साथ में कोई नहीं थे, अंकल जी को हेल्प चाहिए थी क्योंकि वो जो रेत मतलब सैंड जो है, बालू जो है नीचे, वो बहुत गड़ रहा था पैर में, तो उनको चलने में तकलीफ हो रही थी। इसलिए कोई और भी कुछ ना बोले, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग कमेंट करने के लिए फालतू में फ्री में बैठे होते हैं, इसीलिए मैंने जस्ट ये चीज़ मेंशन करी। तो वीडियो में बने रहिए, इंजॉय कीजिए मेरे साथ साथ। वीडियो कैसे लगा ये भी ज़रूर बताना सबको, एंड बने रहिए पूरे ब्लॉग में। और हमेशा की तरह काफ़ी बहस करते हुए मैं अपने फ्रेंड्स का इंट्रोडक्शन दे रही हूँ यहाँ पे, बट बहुत शोर था इसलिए मैंने वॉइस म्यूट किया। फिर बता देती हूँ, ये सुनील, ये प्रवीण है, ये सुनील है, एंड मेरे को बहुत टाइम मेरे ब्लॉग में आ चुकी है। निक्की मेरी फ्रेंड और जो ब्लॉग बना रही है, जस्ट वेट, उनको भी दिखाती हूँ, उसको भी दिखाती हूँ। तो ये मैडम भी ब्लॉग बना रही थी, मेरी बहन, ये भी आ चुकी है ब्लॉग में, आप सब जानते हैं। और यहाँ पे वो जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी, एक्चुअली हम खड़े ही थे बिकॉज बैठने से वॉमिटिंग जैसे फील हो रहा था, पता नहीं बहुत लोगों को होता है, सो मुझे हो रहा था, इसीलिए हम लोग खड़े ही थे। और वीडियोज़ भी बनाने थे हमें रील्स के लिए, इसीलिए से उतरने के बाद भी जाना होता है थोड़ा सा दूर ही, मुझे थोड़ा सा पहुंच चुके हम। देखो खेल
पागोडा टेम्पल। एक्चुअली ये सुनील की ख्वाहिश थी, हमारे जो फ्रेंड है सुनील वो एक साल से पागोडा टेम्पल पे अटके हुए थे, चलो 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 सुनील वीडियो देखेगा तो सुनील ज़रूर कमेंट में बताना ये सच्ची बात है कि नहीं। बहुत सुंदर लग रहा था, ब्यूटीफुल लग रहा था ऐसे सामने से ही। मैं भी फर्स्ट टाइम, मतलब मैंने तो ज़्यादा मुझे पता ही नहीं था। उसकी तमन्ना पूरी करते हैं और चलो पागोडा टेम्पल ही इस बार विजिट करते हैं। सो ये पूरा का पूरा सुनील का वो था। चलिए अंदर और देखिए कैसा ये टेम्पल का क्या है। स्टॉप करो, कर रहे हैं जो मौन करके वो करते हैं, मेडिटेशन ही बोलते हैं उसको। एक्चुअली इस टेंपल में कोई भगवान या फिर कोई लॉर्ड कोई गॉड ये नहीं है, बस मुझे लग रहा था, देख के मुझे लगा कि ये सिर्फ मेडिटेशन के लिए, पीस के लिए है। गौतम बुद्ध जी के बारे में पूरी जानकारी है इस टेंपल में, बट मुझे नहीं लगता कि ये ऐसे कोई भगवान की पूजा करने के लिए ये मंदिर टेंपल नहीं है। मैंने गूगल वगैरह कुछ नहीं किया है तो कोई भी पर्सनली ना ले उस चीज़ को और गलत तवे में ना ले जाए। जो भी आपको पता होगा वो आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कमेंट में। और इस टेंपल का जो कंस्ट्रक्शन मतलब जो डिज़ाइन वगैरह था वो बहुत ही ब्यूटीफुल था, और गार्डनिंग वगैरह बहुत 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 अच्छा था, बनाया हुआ था, बहुत सुंदर लग रहा था। देखिए बहुत सारे लोकेशंस थे जो हमने कंप्लीट ही नहीं किए क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था। हम लोगों ने मॉर्निंग में जस्ट ऑन द स्पॉट प्लान बनाया, इसलिए हम बहुत लेट पहुँचे थे वहाँ पे, तो उतना टाइम नहीं था कि हम हर चीज़ को कवर करें एंड हर चीज़ को दिखाएं। जितना हो पाया मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया, रिकॉर्ड किया उतना ही लगता था। I will this बात मत लगा। अच्छा गाइस आप लोग भी अगर आएंगे तो मत लगाना, मैं फिर भी लगाऊंगी। बस इजी है ना, चले गए सरकुंडी। और ये दोनों हमें छोड़ के अकेले सेल्फी निकाल रहे हैं।
क्योंकि ये दोनों मैरिड है, इनकी वाइफ बहुत डांटती है, मारती भी होनी चाहिए, इसीलिए ये लोग हम लोग के साथ सेल्फी नहीं लेते हैं और जो लेते हैं वो पोस्ट नहीं करते। बट मैं तो भैया आज तक सच्चाई बता के बेचारे ने रिक्वेस्ट किया है मुझे ना दिखाना ये सब, बहुत बट मैं उनकी वाइफ को भी बताना चाहती हूँ कि बहुत दोनों अच्छे हैं, बहुत लॉयल है आप लोगों के साथ। और यहाँ पे कल्पना ले रही है बुक, उसको समझ में नहीं आ रहा है, अंग्रेजी तो मत लेना दीदी, मतलब ढूंढने में आधा टाइम जाएगा पढ़ के, इसीलिए हिंदी बुक लेना। प्रवचन लीजिए, नहीं लीजिएगा छोड़िए, ये भी बुक पे, ये गुजराती बुक पे, जोशीनो मार मतलब भगे पावन प्रेरणा निर्मल धारा धर्मनी, यहाँ पर भी बुक है और यहाँ पर बुद्ध धार की यहाँ पे बुक्स के साथ और भी बहुत चीज़ें देखते हैं। कल्पना मुझे देखने के लिए आके और फिर यहाँ पे पेट पूजा करते हुए आज का यहीं पे ख़त्म हो गया। एक्चुअली घोड़ा गाड़ी पे बैठना पड़ा हमें, मैं तो बहुत ज़्यादा वो नहीं करती कि बैठना चाहिए, आप सबको पता है रीज़न, बट फिर भी बैठना पड़ा हमें क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन नहीं था, इसीलिए। तो यहाँ पे ब्लॉग को करेंगे एंड, टाटा बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारा सपोर्ट कीजिए। और ये जनाब वीडियो बनाने फिर डर रहे थे अपने बीवी से, बट कोई बात नहीं, टाटा बाय।